जो प्रोसेस है वीज़ा का वो चेंज हो चुका है। एंड अब जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो डेट आ रही है वो 2025 की आ रही है। इतना टाइम भी नहीं बचा है तो सारी चीज़ें सॉर्ट भी करनी है कि कैसे जाने वाले हैं। आज मैं अपनी स्प्लिट चेंज कर रहा हूँ। अभी तक मैं पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहा था। फिर घर में चिकन और एग्स बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। ये प्लेन क्रैश एट मुंबई एयरपोर्ट। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। इसको मारेंगे पर मोट 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 मोट। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है सभी लोगों के। सुबह से बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, फिर रुक जा रही है, फिर हो रही है, फिर रुक जा रही है। सो फाइनली वी आर ऑन टाइम। हाय वेलकम सर। हाय गाइस। हेलो। 14? नहीं। अरे यार मैंने आई एम रेडी टू रॉक। हाय। मुझे पता एक्सपेक्टेड था ये पोस्ट करेगा। थैंक यू ब्रो। ये वाला ब्रो एक्सपेक्ट। हाउ आर यू? गुड 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 मॉर्निंग। कॉलिंग माय मॉम। खोल तेरे दिल की। हाय दशिता। हाय यश, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? एज ऑलवेज स्ट्रांग। हेलो। तो डन विद द क्लास। अभी यार एक थोड़ा सा सैड न्यूज़ मिली मुझे कि जो है ना मेरा वीज़ा था ना यूएस का, तो वो मैंने फरवरी के टाइम पर ही अपने शो के बाद में, मसल मीनिया शो के बाद में मैंने मार्च में लगवा लिया था। एंड मार्च में मेरा आ गया था, जबकि डेट्स एक एक साल बाद की मिल रही थी। बट जो फॉर्मेट था उसमें शायद एकदम से कोई भी डेट कुछ स्लॉट खुल जा रहे थे, जिस वजह से मतलब पहले क्या हुआ कि मुझे डेट मिली 2024 की, जो अपॉइंटमेंट था यूएस वीज़ा का। मैंने अपने एजेंट को बोला कि नहीं यार ये पॉसिबल ही नहीं है, मेरा शो नवंबर में। फिर उसके बाद में उसने कोशिश करी, इधर उधर हाथ पैर मारे और वो डेट निकलवाने की कोशिश करी, और हाउ मेरे को मार्च की ही अपॉइंटमेंट मिल गई और मेरा मार्च में वीजा लग गया था यूएस का, जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज थी। शुभांगी ने भी उस टाइम पे लगवा लिया था। बट अब उस टाइम पे मेरे को रिक्की का भी वीजा लगवाना था, क्योंकि यूएस का वीजा सीधा 10 ईयर्स का मिलता है, बट रिक्की का उस टाइम पे पासपोर्ट नहीं बना था। अब जाके उसने पासपोर्ट, अभी 15-20 डेज हुए तब जाके उसका जब पासपोर्ट बना है, तो अब जब मैं वीजा के लिए अप्लाई करवाया, उसका फीस वगैरह कट हो गई, सब कुछ हो गया। एंड उसके बाद में समझ में आया कि जो प्रोसेस है वीजा का वो चेंज हो चुका है। एंड अब जब रिक्की के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो डेट आ रही है वो 2025 की आ रही है, यानी अभी से 1.5 साल बाद की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट है। बट मैंने बोल दिया ट्राई करते रहे, देखते हैं क्या पता कुछ लक चल जाए। बट अगर नहीं चला लक तो ऑब्वियसली रिक्की का वीज़ा नहीं लग पाएगा अभी। और मैंने अपडेट के लिए भी बोला है मसल मीनिया को कैसा क्या है, वहाँ पर कब पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पर जेट लैग वगैरह होगा तो शायद एक आध हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले कैसे क्या पहुँचना होगा मुझे आइडिया नहीं। तो वही लोग उनकी टीम अपडेट करेगी, तो जैसा भी होगा वो मैं आपको अपडेट करूँगा। मैंने उन्हें पूरा ड्राफ्ट करके मैसेज भेज दिया था अपडेट के लिए, दे सेड वो अपडेट बहुत जल्दी भेज देंगे, कि अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं बचा है तो सारी चीज़ें सॉर्ट भी करनी है कि कैसे जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, कितने टाइम पहले प्लान करना होगा, शो से होटल, मतलब जो शो की जगह है उससे होटल कितना दूर रहेगा, क्या डिस्टेंस रहेगा, आसपास में कहाँ से अपनी मील लूँगा। इंडिया नहीं है ना, यूएस रहेगा, और यूएस में कैसे क्या होता है मुझे नहीं पता अभी, तो वो सब कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा पहले से ही। आई थिंक माई फिजिक लुक्स बेस्ट जब मैं ऐसे कैमरा होल्ड करता हूँ, बाइसेप भी फ्लेक्स हो जाते हैं, शोल्डर भी, फोरआर्म्स भी, और मे बी इट्स इन माई माइंड ओनली। हेलो दीदी। दीदी शुभांगी का कॉल आया था, वो हम जो कल की ढूंढ रहे थे ना मैं और संजीत भैया, वो उसके बैग में चली गई है, गेट की। आज नॉर्मल डेज से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए। आज मैं अपनी स्प्लिट चेंज कर रहा हूँ। अभी तक मैं पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहा था, और पुश पुल लेग्स को करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। वैसे यूजुअली मैं हर 3-4 महीने में अपनी स्प्लिट चेंज करके देख लेता हूँ, बट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींच के चला गया मैं। बट अभी टाइम आ चुका है हमारी स्प्लिट चेंज करने का, और आज से मैं, जैसे मेरा आज चेस्ट डे है, और चेस्ट डे पर वैसे मोस्टली साथ में मैं शोल्डर करता हूँ और साथ में ट्राइसेप्स करता हूँ, क्योंकि पुश रहता है। बट आज मैं चेस्ट के साथ में बाइसेप्स ट्रेन करने वाला हूँ, सो दैट्स डिफरेंट। ऐसा बीच में 3-4 दिन के लिए मैंने ट्राई किया था जब हम अपनी एडी में जाते थे, बट उसके बाद से मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया था, और इस बार इसको हम काफी लंबा लेकर जाने वाले हैं। एटलीस्ट 15 डेज तक मैं इससे स्प्लिट को चलाऊंगा। और स्प्लिट चेंज करना पता है आपके लिए क्यों ज्यादा सही रहता है? आपकी बॉडी को जब एक ही स्प्लिट की आदत पड़ जाती है ना, तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है, उस बॉडी प्लेटो में चली जाती है। जैसे आप स्प्लिट चेंज करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम से शॉक होती है, जब बॉडी शॉक होती है तो ऑब्वियसली ग्रोथ होती है वहां पर। और पता है जब पहले के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा श्रेडेड रहता था ना, तो उस टाइम पर मेरी आदत थी कि मैं बहुत ज्यादा स्प्लिट
चेंज करता था और मैंने इतने लंबे टाइम तक FST को फॉलो किया जिस वजह से मेरे जो फेशिया था ना, फेशिया इतना स्ट्रेच हो के इतना डिफाइन होने लग गया था, मेरी फिजिक बहुत ज्यादा शार्प दिखती थी। बट अभी के टाइम में मैंने FST काफी टाइम से नहीं किया, अभी 15 डेज मैं इस ब्रो स्प्लिट को देने वाला हूँ जो कि मैंने बनाई है, ये चेस्ट के साथ में बाइसेप्स। कल जो ट्रेन करूंगा वो आपको बताऊंगा, फिर पूरा प्लान आपको बताऊंगा, और उसके साथ में 15 डेज के बाद में 3 डेज का मैं FST 7 भी करने वाला हूँ। मेरे सारे कपड़े एक बार में धुलने के लिए डले क्योंकि आज संजीत भैया के मम्मी पापा आ रहे हैं और जिस वजह से घर में चिकन और एग्स बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है और जो कि प्रॉब्लमेटिक होने वाला है मेरे लिए। बट मैंने ऑलरेडी 3-4 सॉल्यूशन निकाल के रखे हुए हैं इसके लिए, ऑप्शन निकाल के रखे हुए हैं एक्चुअली। पहला चीज़ तो मैं भी आज आर्श को कॉल करूंगा, उससे बोलूंगा कि यार अगर तेरे घर से अंडे मिल सकते हैं मेरे को उबले हुए एवरीडे तो कुछ बात बात करके देखता हूँ कैसे किया, इधर मैं उसके घर पे जाके क्रेट रख दूंगा या कैसे क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ऑप्शन में जो मैंने रखी हुई है, मेरा जिम का कैफे है तो वो जिम का जो कैफे है वहाँ पर भी मुझे मील मिल जाती है बट वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम है लगातार 6-7 दिन के लिए मैनेज करना मील्स वहाँ से सारी। थर्ड नंबर सॉल्यूशन है जब मैं अपनी क्लासेस से वापस आता हूँ तो वहाँ पर बीच में कैफे पड़ता है, कैफे या मील कॉर्नर कह लो, अच्छी हेल्दी मील प्रोवाइड करता है तो वहाँ से भी मैंने 2 बार मील खाई है तो वहाँ की मील भी अच्छी है, हेल्दी है, अननेसेसरली मसाला वसाला कुछ नहीं डालते हैं, पूरा क्लीन रहता है तो वो चीज़ भी अच्छी है तो वहाँ से भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। किसी भी तरीके से डाइट के साथ में खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं। सुबह भी बारिश हुई थी और अभी भी बारिश थोड़ी देर पहले ही रुकी है, बहुत ज़्यादा कीचड़ होगी बाहर इसलिए मैं बाइक नहीं निकाल रहा हूँ, कार से जाऊंगा और कार में बस ये फायदा रहता है कि मैं अपने फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए जाता हूँ जिससे एक अलग लेवल की हाइप बनती है, जैसे वहां पर जब मैं होता हूँ तो एक अलग जोन में एंटर करता हूँ, मुझे अंदर जाके बैठकर एक जोन नहीं बनाना पड़ता, अपने आप ही मैं कार में बैठे बैठे उस जोन में आ चुका होता हूँ, हाइप में आ चुका होता हूँ। और आज हाइप तो और ज्यादा ही है क्योंकि मेरा वर्कआउट स्प्लिट भी चेंज है। तुम आए तो आया मुझे गली में आचा निकला, किसी ने तो भी गेम खेला था क्या, गाने गाने हैं आपको, हाँ। चांद जिस पर भी चांद आता है, हाँ। चांद को रिप्लेस करना है सांड से, सांड से, अरे वाह, तुम आए तो आया मुझे यार गली में सांड निकला। ओ भाई, और सांड की जगह, और अगर सांड को किसी और चीज से रिप्लेस करना पड़ जाता तो प्रॉब्लम थी। वैसे आपके लिए एक सरप्राइज है, आज हमने अपनी स्प्लिट चेंज कर दी है वर्कआउट की, आज हम चेस्ट के साथ में बाइसेप्स मारेंगे और ये थोड़ा सा डिफरेंट स्प्लिट फॉलो करेंगे फॉर 15 डेज। 15 डेज ना, हाँ ये अच्छा है, मेरे को इवन मैं सोच ही रहा था कि कुछ तो चेंज होना चाहिए यार। जब हमने जिम स्टार्ट की थी तब उस टाइम पे तो मशीन मारना कोई वेट मारने पर ध्यान देते थे, फॉर्म एकदम से समझ में नहीं आती है ना तो वो न्यूबी गेंस होते हैं इसलिए बन जाते हैं। बट ऐसे ने आपके मसल्स ग्रो करना शुरू करते हैं तब आपको समझ में आता है प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कैसे आता है। और जब आपको पता होता है ना कि एक प्रॉपर फॉर्म के साथ में आपकी मसल ग्रोथ होती है, ना कि ईगो लिफ्टिंग करके जर्क मार के, तो आपकी बॉडी को आपके ब्रेन को पता होता है कि एग्जैक्ट क्या वेट आप उठाने वाले हैं और किस वेट से आपकी प्रॉपर फॉर्म आएगी और मसल ग्रोथ होगी। और उसके बाद में अगर ये माइंडसेट आ जाए तो ईगो लिफ्टिंग चली जाती है दिमाग से। कभी कभी ईगो लिफ्टिंग ज़रूरी भी हो जाती है जब आप लास्ट सेट में होते हो और अपना मैक्स ट्राई कर रहे होते हो, बट नॉट एवरी डे, समटाइम्स यस मैं भी करता हूँ, डेडलिफ्ट पे कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपके शोल्डर पे इसलिए आ रहा है क्योंकि आप सोच रहे हो शोल्डर के बारे में, माइंड से पहले शोल्डर निकाल दो और केवल फोकस करो चेस्ट मसल को स्ट्रेच होने पर, शोल्डर पे और किसी मसल पे आना नहीं चाहिए, ऊपर जा रहा है तो चेस्ट के बलबूते पे जा रहा है, नीचे आ रहा है तो चेस्ट से ही स्ट्रेच होके आ रहा है।
लास्ट सेट थे एंड हर एक एक्सरसाइज के फोर फोर सेट्स की हमने फोर एक्सरसाइज परफॉर्म की हैं। इसके बाद में आप बाइसेप्स करेंगे, फिर थोड़ा सा डिफरेंट है पता है, क्योंकि शोल्डर ऑलरेडी थोड़े से ट्रेन हो चुके हैं, चेस्ट करते हुए सेकेंडरी मसल्स में ट्राइसेप्स ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं पुश करते हुए, तो दो मसल्स हल्के हल्के ट्रेन हो चुके हैं एंड बाइसेप्स अब अलग से ट्रेन करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे मसल्स एक बार में ट्रेन हो जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करने वाला है। चले ओ ये देख प्लेन क्रैश एट मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई में ये देख पूरा वो सीसीटीवी का वीडियो दिया हुआ है। ये देखिए ओ हाँ यार इसकी इमेजेस आई है देख। भाई लाइट वाइट सब बंद हो गई। बाय गुड नाइट। वो तो चंगे लगते हैं तो पता मेरा ट्राइपॉड कितना बड़ा है। आज भैया मैं पार्किंग में सॉन्ग सुनाने वाले हैं। चलो क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ हो खामोशियाँ एक साज है तुम धुन को इलाओ जरा खामोशियाँ अल्फाज है कभी गुनगुना ले जरा बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। थोड़ा सा ना कैसा लगा सर? नब्बे बढ़िया बढ़िया है। ये बना लो भैया अभी अपना। हाँ बना रहा हूँ। मेरे पास में ये चिकन रखा हुआ है और मैं अब ये देखो ये करी रखी है इसमें मैं अंडा डालू अंडा डालूंगा इसको बनाऊंगा अंडा और प्याज को रख के तोड़ोगे मुठ मार के। अरे प्याज का मजा तब आता है जब उसे मुठ मार के खाया जाए। राजेश खन्ना जी कहते हैं कि प्याज जो है मुठ मार के खाना चाहिए। गैस मतलब वो प्याज रखे से हाथ मैं तोड़ के छुरी से क्यों नहीं काटा। तो गैस ये मेरी मील है 150 ग्राम्स ऑफ राइस 180 ग्राम्स ऑफ चिकन। ये हमारी पोस्ट वर्कआउट मील है
और मेनली जैसे जो भी मैं बातें शेयर करता हूँ ना, काफ़ी सारे लोग इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को, कि वो मैं किस तरीके से आप लोगों को ग्रो होता हुआ देखना चाहता हूँ। पहले क्या होता था कि काफ़ी सारे लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते थे और बहुत सारे लोग बोलने लग जाते थे कि भाई ये क्या बात कर रहे हो या फिर बहुत टाइम तक बोल रहे हो। कई बार मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं, बट आई एम ग्लैड कि मेरी जो ऑडियंस है, जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअली चाहता हूँ कि आप लोग ग्रो करो और मेरे अंदर के जो थॉट्स हैं वही बाहर निकल के आ रहे होते हैं। मैं कभी भी ऐसे बनाकर किसी भी चीज़ को करके कुछ नहीं बोलता हूँ। रियल लाइफ में भी घूमते फिरते ही मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होती है और मैं जिस तरीके से आपको चाहता हूँ कि आप लाइफ को लीड करो, मैं भी वैसे ही लीड कर रहा होता हूँ। और हर एक चीज़ में मेरा वही पर्सपेक्टिव रहता है और इस पर्सपेक्टिव की वजह से मैं हमेशा अपने आप को एक स्टेप ऊपर लेके चला जाता हूँ। केवल फाइनेंशियली बात नहीं करो, मेंटली किसी चीज़ से ओवरकम करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, किसी को हील करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप स्पिरिचुअली जब सोचने लगते हो काफ़ी सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं, नई होती हैं और आपको समझ में आता है कि हर एक जो भी आप चीज़ करते हो होने वाली है, जिसके बारे में सोचते हो, उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। जितने भी लोगों ने समझा होगा आई एम ग्लैड, ये वाली बात को भी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और जो लोग कई बार नहीं रिलेट कर पाते हैं, जस्ट उसको समझने की कोशिश किया करो, डीप जाया करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन जब आप समझने लग जाओगे ना ये बातें जो मैं बताना चाहता हूँ, हर एक ब्लॉग में कहीं ना कहीं आपको मेरे बिहेवियर के थ्रू, मेरे एक्शन के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसी बात पता चलेगी जो मैं हमेशा किसी भी इंडिविजुअल के लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ बात बताता हूँ। और जो लोग इस बात को समझ पाते हैं, थैंक यू सो मच अप्रिशिएशन के लिए जो आपने ऐसे बड़े बड़े कमेंट करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे करता है ना कमेंट मेरे बारे में, बताता है कि यार भाई आपकी ये चीज़ अच्छी लगती है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ नोटिस ना कर पाए सामने वाला जो भी वीडियो देख रहा है। तो थैंक यू। अभी ये मील फिनिश करेंगे इसी के साथ में। अभी संजीत भैया वो प्याज बना रहे हैं, हाथ से प्याज नहीं बना रहे, प्याज मतलब तोड़ने वाले हैं। प्याज नहीं अभी, हाँ थोड़ी सी दे तो मजा आ जाएगा भैया, मुठ मार के खाया जाए। भैया यार खाना खा रहा हूँ मैं। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने बताया कि प्याज कैसे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। मुठ मार के अपन ने काट लिया, भाई अभी हमने छील लिया अच्छे से। अब जो है उसको अपन लेंगे और आज जो बाइसेप्स मारी है उसका पूरा उपयोग करते हुए उसको मारेंगे अपन। मुठ 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 मुठ, ये देखो तीन मुठ में ये टूट गया। अरे यार भैया मैं नहीं खा रहा है प्याज, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये, मैं नहीं खा रहा। अरे तो यार तू गलत सोचेगा तो फिर कैसे। राजेश खन्ना ने बोलते हुए, राजेश खन्ना साहब ने बोलते हुए गलत नहीं सोचा तो तू गलत सोच रहा है। ये देखो साहब ये ऑथेंटिक। भैया दोबारा मत बोलना प्लीज। ऑर्गेनिक मुठ नहीं मतलब मुट्ठी, दिस इज मुट्ठी, इसको मार के तोड़ा हुआ प्याज। लव यू ऑल गाइस, पीस। आज मुझे बोलना यार, तू को बताता है, मेरे को तू नहीं बताया है। मैंने नहीं बताया, ठीक है भैया। एक ये पीस होता है और एक ये पीस होता है और एक ये पीस होता है, तू ऐसे क्यों करता रहता है। मैं नहीं खेल रहा भैया, मैं आपसे जीत नहीं पाऊंगा। जीत नहीं पाया, खुद पहले बताता है। बैगन